नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। पचोर के ग्राम आसारेटा में तेज ठंड की वजह से 80% से अधिक वो फसल का नुकसान, चना, मसूर, धना, मक्का, गेहूं आदि फसल का नुकसान, जिसको लेकर ग्रामीण काफी चिंतित है। तो वहीं सारंगपुर विधायक कुंवर जी कोठार एवं तहसीलदार मैडम नमिता पांडे फोन पर चर्चा करते हुए जल्द ही किसानों की समस्याओं को लेकर जल्द ही सर्वे होगा। क्या क्या जला? अभी तक सर्वे नहीं किसानों का मुद्दा लेकर चुनाव का टाइम था। अगली बार में आपका हल्का छुटका था, पिछली बार भी कोई ट्रेनिंग नहीं आया, जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने पहल भी की, जिला तक गए लेकिन मुआवजा से वंचित है। ध्यान दिया किसानों को। अच्छा, अब कितने बीघा का साफ ना खरीब है? आखिरी कम देखा जाए तो पूरा ही जमीन किसानों की हाथ में आ गई है। मेरे पास भी 10 बीघा जमीन है, 10 बीघा में कुछ भी नहीं बचा, पूरी तरह मतलब मिल गए हम। तो सर आपको मक्का कितना नुकसान? सर मवेशी का खिलाने पिलाने नहीं पूछो, इंसान को मवेशी का दूध के ऊपर डिपेंड रहता है। अब इसको खिलाने बीमार तो होने ही, तो किसान के लिए कुछ छोटे ऐसा अगर सरकार कुछ कर दे तो बहुत अच्छी बात। ना तो शुक्ला है हमारे पास में, अभी भुगतान नहीं है, 2 महीने तक नहीं आएगा। बिल्कुल मक्का की हालत हो गई, मवेशी बीमार हो गए, अभी क्या 80% खत्म हो गई कि नहीं? तो आपको सरकार से कुछ उम्मीद है मुआवजे को? सरकार जैसे कि हमारी कैसे नहीं होती है, जो प्रीमियम कटती है सरकार से मिल जाते हैं, बैंक वाले पर जाते हैं, आपसे बोल लेते हैं कि आपका बीमा करता है, लेकिन पर्याप्त तो वही कैसे जो प्रीमियम कटती है वो बराबर हमें पर्याप्त, जैसे अभी 100% निकल नुकसान हुआ है कुछ, उसकी राशि हमें बराबर मिल जाती है। तो कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार मैडम सबको ज्ञापन देंगे, ज्ञापन देंगे और यही बोलेंगे जो हमने कैसे बैंक लापरवाही करती है, बैंक बहुत लापरवाही करती है, बैंक पे ध्यान दे जाता है। पचोर से घनश्याम परमार की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।